स्टूडेंट्स, तो बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ये जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस उसे कराया था। जैसे एल्यूमिनियम का हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है, एल्यूमिनियम ये मेटल्स है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका सिम्बॉल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, उसकी वैलेंसीज क्या होती है, ये सब हमने देख चुके थे। ठीक है, नाउ अब ये जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ते हैं ये दो वेज से करते हैं बेटा, दो मेथड से किया जाता है। पहला जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ओर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेस हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब मेटल्स को हम सेपरेट करते हैं विद देयर ओर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेथड जो पढ़नी है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर। कौन सा ओर? बॉक्साइड। तो सबसे पहले हमें बॉक्साइड के बारे में पता होना जरूरी है। ये जो बॉक्साइड ओर होता है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर आप जनरल फॉर्मूला बोल सकते हो, किसका बेटा? बॉक्साइड का, वो आता है क्या आता है, Al2O3. n टाइम्स ऑफ H2O, स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर अमाउंट्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका बॉक्साइड का ओर, मतलब बॉक्साइड ओर का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जब भी हम बॉक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब लेते हैं या फिर बॉक्साइड ओर जब हम लेते हैं, इट कंटेन्स ये चीज ध्यान में रखना, इट कंटेन्स 30 to 70% इसके अंदर में क्या होता है, एल्यूमिना होता है, Al2O3 दैट इज एल्यूमिना। ठीक है, ये जो हम बॉक्साइट का प्रोपोर्शन लेते हैं ना जो भी एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उसके अंदर में 30% to 70% क्या होता है, एल्यूमिना दैट इज Al2O3 एंड रिमेनिंग प्रोपोर्शन इज क्या होता है, वो इम्प्योरिटीज। उसी को आप लोग क्या बोलते हो, गैंग्यू बोलते हो। ठीक है, अब गैंग्यू का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी, दे आर इंक्लूडिंग सैंड, सॉइल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, सो ऑन, जो भी है, तो वो इम्प्योरिटीज बाकी के परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, मतलब 30% जो भी उसका अमाउंट बचता है वहां पे। ठीक है, तो ये जो बॉक्साइड हो गया, बॉक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3.n(H2O), इट विल बी इंक्लूडेड 30 to 70% क्या होता है, एल्यूमिना, एंड रिमेनिंग प्रोपोर्शन इज दैट इम्प्योरिटीज दैट इज गैंग्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ध्यान में रखते हैं, ये जो बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड इज द मेन ओर ऑफ Al, मतलब क्या होगा, एल्यूमिना। ठीक है, बॉक्साइड से हमें जो मेटल ऑब्टेंड होता है, जो हम क्या करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं विद देयर ओर फॉर्म। तो हमने यहाँ पे ओर कौन सा लिया, बॉक्साइड। बॉक्साइड के अंदर से हमें कौन सा मेटल मिलेगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इज गैस, हाइड्रोजन इज गैस, ऑल्सो ऑक्सीजन इज गैस, तो बचा कौन, Al। तो Al मतलब क्या होगा आपका, मेटल। तो हमें बॉक्साइड ओर जो होता है, बॉक्साइड ओर इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पे समझ में आया। अब जब भी हम ये बॉक्साइड जब ओर लेते हैं तो इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। इसके अंदर में क्या होती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। ठीक है, अब कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है बॉक्साइड के ओर के अंदर में, सबसे पहले आती है अगर हम देखते हैं वो आती है सिलिका, दैट इज SiO2। कौन सी है, SiO2, इसे हम सिलिका या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा बेटा फेरिक ऑक्साइड, दूसरा कौन सा है, फेरिक ऑक्साइड दैट इज FeO2। ठीक है, सॉरी Fe2O2। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड या फिर इसको हम बोल सकते हैं बेटा आयरन ऑक्साइड भी इसको हम बोल सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड। और तीसरा आता है टिटेनियम ऑक्साइड, तीसरा अगर हम देखते हैं वो आता है टिटेनियम ऑक्साइड दैट इज TiO2। ये जो है, ये जो तीनों है, हम इसे क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज, गैंग्यू। ठीक है, ये किसके अंदर में प्रेजेंट होती है, बॉक्साइड ओर के अंदर में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हमें इन्हें क्या करना होता है, सिंपल है, इन्हें हमें करना होता है बेटा सेपरेट्स, दे आर सेपरेट, मतलब इम्प्योरिटीज को हमें क्या करना है, ये ओर के अंदर से सेपरेट्स करना है, दे आर सेपरेट्स बाय यूजिंग टू मेथड्स। ठीक है, दो मेथड से हमें इसको यूज करना होता है,
दैट इज अगर हम पहली मेथड देखते हैं तो वो आती है बेटा बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स मेथड, एंड अगर दूसरी हम देखें तो वो आती है हॉल्स मेथड। कौन सी? हॉल्स मेथड। तो पहली जो है, पहली देखते हैं हम बेयर्स मेथड, ठीक है, बेयर्स मेथड, या फिर इसे बोलते बेटा बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। अब इसके अंदर में होता क्या है, तो इसके अंदर में सिंपल सा, इसके अंदर में क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। जो भी हम क्या करते हैं, जो हम क्या होते हैं, बॉक्साइड्स और लेते हैं, क्या लेते हैं, बॉक्साइड्स और आर फर्स्टली लीच बाय हीटिंग, ठीक है। सबसे पहले जो बॉक्साइड और लेते हैं फर्स्टली क्या करते हैं, बॉक्साइड और आर फर्स्टली यूजिंग बाय हीटिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे, लीचिंग प्रोसेस करते हैं, या फिर यूजिंग बोलने से अच्छा हम यहाँ पे लीचिंग बोल सकते हैं। लीचिंग का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शन जब करेंगे तब क्या करेंगे, उसे प्रोवाइड हम हीट। जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीटिंग, अब किसके साथ में हीटिंग करेंगे, हीटिंग विथ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मतलब क्या होता है, NaOH। किसके साथ में उसको ट्रीटेड करते हैं, कॉस्टिक सोडा के साथ में, किसके साथ में, कॉस्टिक सोडा, स्पेलिंग ध्यान में रखना, ठीक है, इसके मतलब इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा के अंदर में उसको क्या करते हैं, हम ट्रीटेड करते हैं। जब भी हम इसे कॉस्टिक सोडा के साथ में बॉक्साइड और को ट्रीटेड करेंगे, तब वो टेम्परेचर होगा एट 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होगा, और टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट जो होगा वो 2 to 8 hours होगा, for 2 to 8 hours, ठीक है। और ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ए बड़ा टैंक लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम डिजास्टर, ठीक है, डाइजेस्टर भी बोल सकते हैं आप उसको, इन डाइजेस्टर एक बड़ा सा टैंक होता है, वो टैंक के अंदर में वो सोल्यूशन लिया जाता है बॉक्साइड ओर का, उसके साथ में कॉस्टिक सोडा को ट्रीटेड किया जाता है फॉर 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, और रिक्वायरमेंट जो होती है वो 2 to 8 hours की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये ऐसा होता है तब उसके अंदर में टू फॉर्म अ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जैसे हमने बोला ना, बॉक्साइड ओर फर्स्टली लीचिंग बाय हीटिंग विद कॉस्टिक सोडा NaOH एट 140 डिग्री सेल्सियस टू 150, मतलब जो लीचिंग प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस मतलब क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन हम जब देखते हैं तो वो होगी क्या, तो सबसे पहले हम लेंगे बेटा यहाँ पे एल्यूमिना, क्या लेंगे, वाटर अमाउंट 2 times लिया, रिएक्ट विथ NaOH, और इसको क्या किया हमने, हीट दिया। अब ये जो है ये बॉक्साइड और सॉलिड फॉर्म में होगा, कौन सा फॉर्म होगा इसका, सॉलिड, NaOH जो है वो एक्वियस सॉल्यूशंस होगा। जब बॉक्साइड और ये कॉस्टिक सोडा के साथ में इन ए डाइजेस्टर 2 to 8 hours कॉन्सेंट्रेट होगा या फिर रिएक्ट होगा फॉर अ टेम्परेचर 140 डिग्री टू 150 डिग्री सेल्सियस, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सिंपल सा बेटा, प्रोडक्ट जो है, अब मैं ये प्रोडक्ट नीचे लिख देता हूँ, जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 times ऑफ Na, मतलब सोडियम जो एल्यूमिनेट जो है NaAlO2 मिलेगा इन ए एक्वियस फॉर्म, और साथ में 3 times ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, रिलीज होगा या वेपराइज फॉर्म में निकल जाएगा, समझ में आई बात। ये जो है ये रिएक्शंस होती है किसके अंदर में, इन ए डाइजेस्टर, मतलब जो टैंक होती है वो इन बेयर्स प्रोसेस के अंदर में, बेयर्स मेथड के अंदर में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। जब ये होता है तब, जब भी हमने क्या किया बेटा, जब ये रिएक्शंस की तो किसके साथ में, कॉस्टिक सोडा के साथ में, किसकी, बॉक्साइड ओर की। जब बॉक्साइड ओर हमने लिया तो उसके अंदर में क्या फॉर्म था, इंप्यूरिटीज थी, कौन सी, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड और टिटेनियम ऑक्साइड। ये तीनों इंप्यूरिटीज में से, ये जो फेरिक ऑक्साइड इंप्यूरिटीज है, कौन सी, फेरिक ऑक्साइड जो इंप्यूरिटीज है, ये कॉस्टिक सोडा के अंदर में डिजोल्व नहीं होती, दे कैन नॉट बी डिजोल्व, कौन, फेरिक ऑक्साइड। जब ये रिएक्शंस होती है तो हम बोल सकते हैं
फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड भी आप उसे बोल सकते हो. आयरन ऑक्साइड कैन नॉट डिजॉल्व इन द रिएक्शन बोलो या फिर कॉस्टिक सोडा बोलो. ठीक है, तो इन तीनों इम्प्योरिटीज में से सिलिका और टिटेनियम ऑक्साइड ये तो मिक्स हो जाएगी, लेकिन फेरिक ऑक्साइड ये डिजॉल्व नहीं होती है. तो उसे हमें क्या करना होता है, दे विल बी सेपरेट. क्या करना कहें उसको, दे विल बी सेपरेटेड बाय कौन सी मेथड, बाय यूजिंग फिल्टरेशन मेथड. कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा हमें, फिल्टरेशन मेथड यूज करना पड़ेगा. जो सॉल्यूशंस के अंदर में जो मेथड्स मिलेगी आपको, तो ये सब्सटेंस आपको मिला और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं हुए दैट इज फेरिक ऑक्साइड, इट मीन्स दैट आयरन ऑक्साइड भी आप उसको बोल सकते हो. तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टरेशन मेथड से हम उसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. ठीक है, अब सेपरेट करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिला कौन सा, सोडियम मतलब NaAlO2, उसे फिर से वाटर के साथ में ये जो अमाउंट रहेगा इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, तो इसे हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा बेटा, कूल करना पड़ेगा. तो 50 डिग्री से हम उसे क्या करते हैं, कूल करते हैं. तो यहां पे जो रिएक्शंस टेक्स प्लेस होगी तो आपको क्या मिलेगा, तब जाके आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये प्रोडक्ट मिलेगा. कब, जब ये सब्सटेंस को हम 50 डिग्री सेल्सियस से क्या करेंगे, कूल करेंगे, इट मींस दैट इसके अंदर में उतने अमाउंट का वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. ठीक है, तो प्रोडक्ट मतलब रिएक्शंस क्या होगी आपकी, NaAlO2 साथ में हम उसे क्या करेंगे, 50 डिग्री से लेस करेंगे, मतलब 2 times of H2. तो प्रोडक्ट जो आपको फॉर्म होगा वो क्या मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपका NaOH ये बाहर निकल जाएगा, रिलीज होगा. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे जाकर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो जो मिलेगा बेटा आपको AlOH/3 दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपको ये क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मतलब सब्सटेंसेस आपको बाहर मिलेगा. समझ में आया, तो ये जो हाइड्रोक्साइड AlO3 ये यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा 50 डिग्री सेल्सियस से. समझ में आया, तो ये जो प्रोसेस होती है तो ये होती है आपकी बेयर्स प्रोसेस. सिमिलर एक हॉल्स प्रोसेस से सेम टू सेम वे से होती है, बस थोड़ा रिएक्शंस का फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं. ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है वो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना बोलो, तो एल्यूमिना से हम एल्यूमिनियम ऑब्टेन करेंगे या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम उसको बोलते हैं. तो वो प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में. सो थैंक यू.